नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों ओ कनेक्ट आ चुका है और आप लोग उस पर मीटिंग करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास किसी भी ओ कनेक्ट का लिंक आता है मीटिंग का, तो आप होस्ट वाले लिंक पर क्लिक करें जो आपके पास लिंक आता है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ समस्याएँ आती हैं, तो उन समस्याओं से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन करिए। वहाँ पे थ्री लाइन्स हैं, थ्री लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक सेटिंग वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। इस सेटिंग वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए, तब आप नीचे जा कर के देखेंगे कि आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा। ये देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, आप साइड सेटिंग को क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो नीचे आप चलिए, नीचे आप देखेंगे कि आपको एक जगह आएगा थर्ड पार्टी, नहीं पॉपअप एंड रिडायरेक्ट आपको आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक आप देखेंगे पॉपअप एंड रिडायरेक्ट का, ये आपको ऑन कर देना है। और जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके सामने ये दो चीज़ें खुल जाएंगी, ऑन पैसिव इकोसिस्टम की देखो खुल गया है और दूसरा आपका ओ कनेक्ट का भी खुल गया है। ये इस तरीके से आप किसी भी लिंक ओ कनेक्ट के लिंक को क्लिक करेंगे तो आप आसानी से एंट्री कर जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक काम और कीजिए, ये देखिए दोनों चीज़ें खुल चुकी हैं, यहाँ पर ओ कनेक्ट का भी और ऑन पैसिव इकोसिस्टम का भी ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप वापस चले जाइए, ठीक है। और वापस जाने के बाद आप एक काम और कीजिए, गूगल के अंदर आप गूगल को ऑन कीजिए और इसकी हिस्ट्री को क्लीन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप गूगल पे जाइए, थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक सेटिंग का बटन है, सॉरी हिस्ट्री का बटन है, हिस्ट्री दिखाई देगा यहाँ पे और हिस्ट्री को आप क्लीन करना होता है। यहाँ पर देखिए ऑल क्लियर पे दिखाई दे रहा है ये हिस्ट्री, और यहाँ पे क्लीन क्लिक करेंगे तो काफ़ी साइडें आपकी खुली हुई जो आप इस पर आप काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल पर सेटिंग कर दें, ये ऑल पर सेट कर दें, जितनी भी आपने खुली हुई है साइडें या किसी पे काम किया है ये जा कर के आपका क्लीन हो जाएगा। और उसको नीचे जाइए तो ऑल क्लियर कर दीजिए, क्लियर करके देखिए यहाँ से देखिए क्लियर, ये फिर फोल्डर खुलेगा और उसको जा कर के आप क्लियर कर देंगे तो आपकी जितनी भी हिस्ट्री है वो यहाँ से हट जाएगी। और इसके बाद आपका सेट मोबाइल सेट बहुत आसानी से और स्मूथ वर्क करेगा, आपको जो अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी वो हट जाएगी। इस प्रकार अब आप जब ये दो काम कर लेते हैं और उसके बाद अब आप वो कनेक्ट के लिंक पर जाते हैं, मीटिंग लिंक पर जाते हैं, तो आपके सामने जो समस्या आ रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब थर्ड दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी, मैं तीसरी चीज़ आपको और बताने यहाँ पे जा रहा हूँ। जब आपके सामने ओ कनेक्ट का लिंक आता है और आप मीटिंग लिंक आता है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको स्पीकर कैमरा ये सब खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाऊंगा, जब आप उस अंदर चले जाते हैं मीटिंग के अंदर तो आपके सामने कैमरा आपको नहीं मिलता है, माइक्रोफोन आपका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दो देखिए ग्रीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर कैमरा और माइक दोनों पर रेड लाइन लिखी चीज लगी होती है, आप इसको क्लिक करेंगे माइक को, ये देखिए माइक, और आपका ये माइक खुल जाता है, आप यहाँ से बोल सकते हैं। और आपका ये वीडियो देखिए, मैं अभी कैमरे को ऑन करूँगा तो मैंने ये कैमरा ऑन कर दिया है, यहाँ से इस तरह से मेरी वीडियोस लोग देख पा रहे हैं। और मैं इसको क्लिक कर ऑफ़ कर देता हूँ और साउंड को भी ऑफ यहाँ से किया जा सकता है, जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। और एक स्पीकर यहाँ पे आपको मिलता है, उसको भी आप क्लिक करके अपना जो स्पीच आ रही है वो आप आसानी से सुन सकते हैं। और यहाँ पे कई और भी ढेर सारे फंक्शंस हैं, आप इसको नीचे देख सकते हैं। और जब आपको इसको क्लिक करके जाना है, जिसको आउट होना है, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
काफ़ी कुछ है। और उस पर पहले देखिए ये ग्रीन जो ब्लू से जो आ रहे हैं स्पीकर कैमरा वगैरह आ रहा है, माइक्रोफोन और कैमरा जो भी होस्ट होता है ये उसके उसके कंट्रोल में रहता है, वो वहाँ से आपकी आपके कैमरे को और आपके उसको ऑफ कर सकता है, कैमरे को और माइक को ऑफ कर सकता है। तो इस तरीके से ऊपर वाले अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो होस्ट को होस्ट के लिए, और आप क्लिक करके कैंसिल करके नीचे जो राइट बटन होता है वहाँ से एग्जिट भी करके मीटिंग को ऑफ कर सकते हैं। तो ये है पूरा सिस्टम। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आशा करता हूँ आपको ये तीन सेटिंग्स अपने मोबाइल में बहुत देख करके अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएंगे, यूज़फुल रहेंगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसमें मैसेज डालिएगा। वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई, आप थोड़ा सा और वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि वेबिनार की मीटिंग सब होने लगी हैं। आप लोग वेबिनार्स कीजिए और अपने नियर एंड डियर को बुला करके समझाइए जो भी वो कनेक्ट पे मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने तरफ से फ़ोन भी उनको कीजिए कि आप के दो काम तो आप ज़रूर कर लें, एक तो मोबाइल की जो हिस्ट्री है उसको क्लीन कर दें और दूसरा आप जो पॉपअप रिडायरेक्ट का जो मैंने आपको बताया है कि ये से फर्स्ट सेटिंग जरूर कर लें अपने मोबाइल के अंदर। ये दो काम करने के बाद में जब आप अंदर एंट्री करेंगे वो कनेक्ट के अंदर, तो आपको अब किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अगर फिर भी कोई असुविधा हो रही तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज लिख सकते हैं, और वीडियो के अंत में आप ज़रूर मैसेज डालें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इस वीडियो में और अच्छा देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ, ये भी आपसे मैं उम्मीद करूंगा। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यार कमल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यार कमल।